सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है, सब ने अपना अपना कैरेक्टर प्ले करना है और चले जाना है। ऐसे ही दुनिया के स्टेज से कल एक किरदार चला गया जिसके मद्दे मुकाबल शायद ही कोई पैदा हो। 3 बार 500 मशहूर इस्लामी शख्सियात की फहरिस्त का हिस्सा बनने वाले रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी, जदीद गेम शोज़ की बुनियाद रखने वाले, अपनी गुफ्तगू से लोगों को अपना गर्विदा बनाने वाले आमिर लियाकत हुसैन दुनिया फ़ानी से कल कूच कर गए। मुल्क को छोड़कर जाने का ऐलान करने वाला कल खामोशी से दुनिया ही छोड़ के चला गया। हम आखिर में यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके उस जहां के मामलात में आसानियां फरमाए। एक बहुत बड़ा लॉस था कल हमारे लिए, जिनके मद्दे मुकाबले हमें कोई भी नहीं मिल सकता। सदियों तक इस तरह के एक टैलेंटेड होस्ट, अगर हम बात करें उनकी, उनके सियासत के सफ़र की, उनकी एंकरिंग के सफ़र की, हमें कोई इनकी मिसाल नहीं मिल सकती। यकीनन। और आपने शेक्सपियर की मिसाल दी, मैं कुरान पाक की मिसाल देना चाहूँगा जिसमें अल्लाह ताला इस दुनिया को खेल तमाशा कहता है। तो तमाशा ही है, ये थिएटर ही है, इसमें सब किरदार अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आमिर लियाकत हुसैन साहब की बात आए, अल्लाह ताला उनकी मकसद सम्मान के दर्जात बुलंद करे, तो आई डोंट थिंक हम में से कोई बेहतर बोल सकता है बनस्बत फहीम के। भाई मैं चाहूँगा कि आप उनकी याद ताज़ा करें। अला आप याद करने का क्या फ़ायदा है? मतलब जिंदा लोगों को हम मार देते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनका जीना अजाब कर देते हैं, उन्हें डिप्रेशन का मरीज़ बना देते हैं, एनजाइटी का शिकार बना देते हैं और उनमें से कोई एक वजह उनकी मौत तक पहुँच जाती है। फिर उसके बाद हम बैठ के अफसोस करते हैं, हम दुनिया को बताते हैं भाई कितना अच्छा इंसान था। हम किसी को ज़िंदगी में क्यों नहीं बता सकते? यानी ये कितना ज़रूरी है कि बहुत अच्छा इंसान था, ये लफ्ज़ सुनने के लिए मरना पड़ता है? क्या वजह है इसकी कि हमने लोगों को ज़िंदगी में वो इज़्ज़त देना छोड़ दिया जिसके वो लायक हैं? अभी वर्दा ने अपने इंटरव्यू में आपको बताया कि 3 मरतबा 500 बासर शख्सियात में उनका नाम था, लेकिन उस 3 मरतबा पर वो 3 वीडियोज़ भारी थी जो कि उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर मबनी करती थी, ना कि किसी और पर, ना उनके मिनिस्ट्री पर, ना ही उनके जो वो प्रोग्राम्स करते थे, गेम शोज़ करते थे उस पर, ना ही जब वो रमज़ान ट्रांसमिशन करते थे उस पर भारी थी। वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी का हिस्सा थी, अगर मान लिया जाए कि वो सही वीडियोज़ भी थी। तो हमने सब कुछ भुला दिया। हमें क्या चाहिए थे? मज़े। हमें मिल गए मज़े। हमने उनकी हर वीडियो, हर बात को उठाया, उस पर मीम बनाया और उस पर जो है वो हमने तनकीद की, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया कि ये देखो भाई, ये देखें आमिर भाई की एक और वीडियो लीक हो गई, देखें आमिर भाई के बारे में एक और बात हो रही। अब हम सारे के सारे बैठे हैं, कल मैं पूरा दिन वहीं था, कल मैं उनके घर में था, मैं उनके कमरे में जब गया जहाँ उनका इंतकाल हुआ था, यकीन करें तला लाइट वहाँ पर नहीं थी और जनरेटर चलने की वजह से ही, धुआं भरने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। पर उनकी जुस्ते खाकी को ले जाए हुए करीब 1 घंटा हो गया था, उसके बावजूद भी उस कमरे में ऐसा लग रहा था कि मौत के फरिश्ते घूम रहे हैं। इतना हब्स, इतनी घुटन, क्या कैफियत रही होगी उस शख्स पर जो तन्हा उस जगह पर पड़ा हुआ था, उस कमरे में, उस बिल्कुल गोशे तन्हाई में मौजूद वो शख्स, ना अपने घर वालों से बात कर पा रहा, ना अपने दोस्तों से बात कर पा रहा, ना अपने बच्चों से बात कर पा रहा, उस शख्स पर क्या गुजर रही होगी? जस्ट पुट योर सेल्फ इन शू, थोड़ी देर के लिए उनकी जगह पर खड़े होकर अगर आप सोचें कि एक इंसान किसी से बात नहीं कर पा रहा, किसी को अपना दुखड़ा नहीं सुना पा रहा, किसी को अपने दिल का दर्द नहीं बता पा रहा, बस वो जब आ रहा है तो हमें लग रहा है यार कोई मस्खरा आ गया है, आए चलें हंसते, मीम बन जाएगी इसके ऊपर। वो रो रहा है अगर कि यार मुझसे गलती हो गई है, मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, हमने मीम बना दिए कि यार देखो मगरमच्छ के आंसू कितने अच्छे हैं, और आज हम सब मौजूद हैं कि यार कितना अच्छा आदमी था, चला गया। यार इतनी सी बात, कितना अच्छा इंसान, इतनी सी बात आप उनकी ज़िंदगी में अगर कह दें, किसी की भी ज़िंदगी में, चले आमिर लियाकत हुसैन तो चला गया, अब कोई नहीं बचा, अब जो लोग रह गए हैं खुदा के वास्ते उनका पीछा छोड़े,
अपने मज़े अपने चीज़ें लेने के लिए लोगों की ज़िंदगी से ना खेलें। जिस घर में मौत होती है, जिस घर में जनाजा उठता है, जिस घर में मैयत जाती है, उस घर का हाल आप नहीं समझ सकते अगर आपके घर में किसी की मैयत नहीं गई। मैंने आमिर भाई के मैंने देखा है उनके उनके लाश को, उनके जनाजे को, उनके जुज़्ने खाकी को मैंने देखा है। जब यकीन कीजिए आप जज करने वाले लोग हैं ना, आप तो जजमेंटल हैं, आप तो जज कर लेते हैं कि भाई अगर लाश से बदबू आ रही है तो ये तो भाई बड़ा गुनाहगार था, ये था वो था। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ गए, चेहरे पर अभी तक मुस्कुराहट है। आप इस पर यकीन करेंगे अब आप कि इतनी सुकून की मौत उन्हें मिली है जितने सुकून की ज़िंदगी वो नहीं गुजार सके। हर बार अपनी किसी ना किसी बात की वजह से खुद उस शख्स ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, ये समझ कर कि आप सब उसके अपने, अपनी ही बात की वजह से अपना नुकसान किया, अपनी ही सियासी नज़रिए की वजह से अपना नुकसान किया, अपने ही किसी चैनल को शिफ्ट करने की वजह से अपना नुकसान किया। कोई और आमिर लियाकत का नुकसान नहीं कर सका जितना नुकसान उन्होंने अपना खुद इस वजह से किया कि वो ये समझते थे कि लोग उन्हें प्यार करते हैं, लोग उन्हें समझेंगे, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। फहीम, आखिर में यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फिर भी अपने बंदे को माफ़ कर देता है, उसकी गलतियों को, उसकी कोताहियों को माफ़ कर देता है, लेकिन हम इंसान हैं नहीं, जो नहीं, माफ हम नहीं, नहीं कर पाते। मैं यहाँ कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगा, हम नहीं हैं। यकीन की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम टिकटॉकर्स हैं, हम यूट्यूबर्स हैं, हम इंसान बिल्कुल नहीं। मैं इस लफ्ज़ को अब खत्म कर रहा हूँ। आई सेकंड फहीम्स स्टेटमेंट। यहाँ पे नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर, आमिर लियाकत हुसैन साहब को हम डिस्कस करते रहेंगे आज के शो में। टॉप स्टोरीज, ज़हीन इंसान, बेहतरीन मुकर्रर, अल्फाजों के शहंशाह, आमिर लियाकत जैसा कोई ना था कोई ना होगा, लेकिन उनकी जिंदगी भी सवाल थी और मौत भी सवाल है। आवाम को अब पता चलेगा असल महंगाई क्या होती है, कप्तान ने बजट के ऐलान से पहले ही खबरदार कर दिया, आवाम भी बड़े झटके के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा, खच्चर और घोड़ों की तादाद बरकरार, इकोनॉमिक सर्वे के आदाद और शुमार मौजूदा हालात में मुल्क की कहानी सुना रहे हैं। और हॉलीवुड की पहली पाकिस्तानी सुपर हीरो दुनिया बचाने आ रही हैं, कमाला आज से स्क्रीन्स पर एंट्री देंगी, मिस मार्वल की रिलीज से पहले ही चर्चे। शो के आगाज में फहीम ने हमें बहुत एक अच्छी बात बताई और मैं समझता हूं कि अगर हम उनकी बात समझ जाएं तो पाकिस्तान के काफी मसले हल हो जाएंगे, पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम इंसान नहीं बने हैं। हम कहते हैं अपने आप को हजरत इंसान, लेकिन हम हंस इंसान बनने से बहुत बहुत दूर हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ आलिम दीन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, जुमा मुबारक आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। तला भाई आपको भी जुमातुल मुबारक की बाबरकत और पुरकैफ और रहमत भरी साथ है मुबारक हो। जज़ाकअल्लाह खैर। अब हनीफ कुरैशी साहब, आमिर लियाकत हुसैन साहब जहाँ फ़ानी से कूच कर गए, आज मैं चाहूँगा कि उनका जो पैगाम था, उनका जो मैसेज था, वो जैसे शख्सियत थे, वो जैसे इंसान थे, आपकी ज़बान से सुने हम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर शख्स एक ख़ास वक्त के लिए दुनिया में आया है और एक ख़ास वक्त में उसे वादे इलाही के मुताबिक लौट कर जाना है। खुशबख्त होते हैं वो लोग के जब वो आते हैं तो खुद यकीनन रो रहे होते हैं, और जब वो दुनिया से जाते हैं तो एक ज़माने को रुला कर चले जाते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ मेरा काफ़ी अरसा ताल्लुक रहा, बिलखसूस रमज़ान ट्रांसमिशंस के हवाले से, और 2017-18 की बॉल न्यूज़ की मशहूर ज़माना रमज़ान ट्रांसमिशन के, जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को जो मैं पढ़ सका, यह इतना अरसा जो उनके साथ मेरा गुजरा, जो मैं समझ सका, वो एक टैलेंट का मैं समझता हूँ मुरक्का था, टैलेंट उस शख्स में कूट कूट कर भरा था। एक वक्त में वो खतीब भी था, अच्छा लिखारी भी था, बेहतरीन मुकर्रर भी था, बेहतरीन एंकर भी था, सियासतदान भी था, और सबसे बढ़कर नात खान भी था। और तला भाई सबसे जो आम चीज़ है कि बच्चे के से दिल वाला साफ दिल इंसान भी था। बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं कि जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया या दूर रहकर उस चीज़ को सती अंदाज से देख रहे होते हैं। मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को बड़े करीब से देखा है और मैंने इस चीज़ का बरमला इजहार बारहा किया कि जिस कदर अल्फाज का एक जिसे कहते हैं समुंदर और एक वेकेबलरी का एक पूरी लाइब्रेरी जिस उस शख्स के पास है,
मैंने बहुत कम बोलने वालों को या लिखारियों को इतना कादरुल कलाम पाया। और फिर जो आमिर लियाकत हुसैन साहब की हमसे बड़ी मोहब्बत थी, हम उनसे मोहब्बत करते थे, जो सबसे अहम तरीन चीज जिसने मुझे मुतासिर किया वो उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ गैर मुतजलजल मोहब्बत का एक अंदाज था। रसूल थे, इसमें कोई शक नहीं। और कुछ लोग समझते हैं कि ये स्क्रीन पे आकर लोगों को दिखाने के लिए बाज़ औक़ात हुज़ूर की बात आती है तो कई लोग रो पड़ते हैं, वो समझते हैं कि अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन वल्लाहिल अज़ीम अलग कमरे में जहाँ हम एक दो लोग होते थे वहाँ जब हुज़ूर के हुस्न व जमाल का तज़किरा हुआ, सरकार की सीरत व सूरत की बात हुई, हुज़ूर की ऐनैन मुक़द्दसा की बात हुई, सरकार की वल्लैल की जुल्फों व दुहा के मुखड़े की बातें हुई, तो खुदा की कसम उस शख्स को मैंने छलक छलक के रोते देखा। दुरुस्त, बिल्कुल। आले बेते अतहार के साथ उसने वाले आना मोहब्बत की, और मैं समझता हूँ कि मीडिया पर जितना खुल खुला कर उस शख्स ने मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत के तज़कार को आम किया, इसकी मिसाल माजी में कहीं भी नहीं मिलती है। और फिर जो आम तरीन क्वालिटी उस शख्स में थी कि अगर उससे कोई अल्फाज की अदायगी में कमी हो गई, कोई जुमला गलत निकल गया या कोई ताबीर में गलती हो गई, किसी भी शख्स ने उसको समझा दिया, बतला दिया। अल्लामा कोकब काड़वी उनके पुराने दोस्त थे, उसके बाद फिर हमारा ताल्लुक हुआ, बच्चों की तरह, यानी जिस तरह वालिदैन की बात बंदा सुनता है, कोकब काड़वी साहब उनसे कहते हैं या मैं कह देता कि डॉक्टर साहब ये आपका लफ्ज जो है ना ये सही नहीं है, शरा के मुताबिक नहीं है, इसको वापस लीजिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी ये कैसे, मैं ये हूं, वह दलील ये, फौरन कहते जी अल्लाह मुझे माफ करे और मैं अपने अल्फाज़। और नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट प्रोग्राम में बेहतरीन तालिबे इल्म भी थे, बेहतरीन तालिबे इल्म भी थे, वो हर किसी से सीखते थे, इसमें कोई शक नहीं है। राइट, कुरैशी साहब, कुरैशी साहब कथा कलामी की माजरत, हमें सारे बर्नोन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बर्नी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। आमिर लियाकत हुसैन, एक बात तमाम हुआ, आपकी क्या यादें हैं उनके साथ? देखिए बहुत सारी यादें हैं, और वो तो एक ऐसी शख्सियत थे कि मेरा ख्याल है कि बच्चा बच्चा उनको जानता है और एक अच्छे अल्फाजों में जानता है। और जो कुछ एकदम से हुआ वो जारी बात है एक तकलीफ के अमल है सारे पाकिस्तानी कौम के लिए, और जो कुछ उन्होंने खदमात की हैं वो भी हम सब जानते हैं, और यकीनन जाना हम सब ने, लेकिन जब कोई इस तरीके से चला जाता है लोगों के दिलों में जो है तो बस बहुत अफसोस है, और अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे। और जो कुछ लोग बस क्या कहें, बहरहाल कहना चाहिए ताकि शायद लोगों को अकल आए कि ऐसे पीछे पड़ते हैं लोगों के पीछे और देखते नहीं है कि वो कौन लोग हैं। वो नहीं आई गया हेलो जी जी सारिम साहब फरमाइए जी 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 तो मैं ये कह रहा हूँ जो लोग पीछे पड़ते हैं ना सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क की इज्जतें होते हैं ये लोग एक नाम बनाते हैं दुनिया के अंदर और हम उनके पीछे पड़ते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को तमाशा बना देते हैं, चाइना इश्यूज बना देते हैं। तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, बजाय कि कोई बिस्तर पे पड़ जाए या दुनिया ही से चला जाए फिर हम बैठ के बस सिर्फ अफसोस करें। तो जिस वक्त वो जिंदा है हम अगर कुछ कर सकते हैं उसका साथ दें, अगर कोई भटक गया है बहक साथ दें, लेकिन अफसोस कि हम लोग ये सब कुछ भी नहीं करते सिवाय इसके कि जिंदा है तो उसका तमाशा बनाते हैं, मर जाता है तो बस जाके अफसोस कर लेते हैं जाकर के। सारिम साहब ये कौम क्या करेगी, सारिम साहब ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है, लोग यहाँ पर अपनी औलादों को पैदा करके छोड़ जाते हैं आपके पास पालने के लिए, आप उस कौम से मुखातिब है, क्या करेंगे ये? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं इस कौम को ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए कल से कई चैनल से जी मैं यही बात समझाना चाह रहा हूँ, ये एक मौका है कि जिसे शायद लोग समझें। और इस वक्त हम चले जाएं ये क्या हमें पता है, ये तो किसी को भी नहीं पता ना कि किस लम्हे हमारा जो है ना दम निकल जाना है और हम क्या छोड़ सोचना है कि माफी का भी मौका मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा। तो हमें बहुत कुछ सोचना है, फिर हमें आगे जो है ना कदम बढ़ाने हैं, और हम सबसे पहले तो ये सोचे ना क्या हम खुद इतने पाक साफ हैं कि हम किसी की जात पे कीचड़ उछाल लें
और अल्लाह को के ऐप छुपाने के लिए कहा है ना, या ऐप आया करने के लिए उसको तमाशा बनाने के लिए कहा है। जजमेंटल हो जाते हैं ना हम लोगों पे उंगलियां उठाते हैं और एक ही बात को लेकर हम तनकीद का निशाना बना देते हैं। खैर हमारे साथ रहिएगा जी बिल्कुल। कनान चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बल्कि आखिर में अभी 4 दिन पहले ही उनकी आमिर लियाकत साहब से बात भी हुई थी और आमिर लियाकत साहब हमेशा इनसे मशवरे लेते थे, इनसे राय लेते थे, कुछ भी करने से पहले बहुत क्लोज थे कनान चौधरी के, तो उनसे पूछेंगे। जी कनान साहब बताइएगा कि आपने कहा कि 4 रोज़ पहले ही आपकी उनसे बात हुई है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थे, क्या आखिरी बात हुई आपकी उनसे? जी मेरी 4 दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले आमिर भाई के साथ बात हुई थी और वो इसी बात को लेके परेशान थे जो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। उनकी मुझे कॉल आई तो मुझे उन्होंने कहा कि कनान मुझे ये बताओ, कनान भाई मुझे ये बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये तब की बात है जब मीम्स उनके ख़िलाफ़ वायरल हो रही थी और मुझे कहने लगे यार मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा आमिर भाई आप दिल बड़ा रखें, आपने हमेशा बहुत बड़ा दिल रखा है। तो मुझे कहते यार मैंने मीमर्स को कभी रोका नहीं है, किसी को कभी कुछ कहा नहीं है, मुझे पता है इन लोगों की रोटी चल रही है यहाँ से, ये पैसे कमा रहे हैं मीम्स बना के, लेकिन हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है। तो वो मुझे ये कह रहे थे कि यार इस मुल्क के लिए मैंने इतना काम किया है, क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है कि इंसान को इतनी सी स्पेस दी जाए कि उसकी पर्सनल लाइफ को ना उछाला जाए और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो इस बात को लेके वो बहुत डिप्रेस थे कि उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ को क्यों सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है, इसको लेके वो बहुत डिप्रेस थे। और उन्होंने मुझे कहा कि जेन पे एक बोझ है मेरे, मैं परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, मैं बस अल्लाह के आगे दुआ कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल ऐसा ही है कनान, अल्लाह के आगे दुआई की उन्होंने। और जहाँ बात आप कर रहे हैं ना कि मीमर से वो परेशान थे, मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो सकता। आमिर लियाकत हुसैन जैसा एक जो पहाड़ है ना, अगर वो मीमर्स के सामने खड़े हो जाए ना, उनसे बड़ा कोई मीमर मौजूद नहीं था। वो मीमर्स को ऐसी दो टोक जवाब देते थे, लेकिन जहां वो टूटे वहां आपकी बात सही है कि जब पर्सनल लाइफ पे बात आई है, जब उनकी पर्सनल ज़िंदगी को, जो कि एक शौहर और बीवी के बहुत ही ख़ास ज़िंदगी होती है, उसको डिस्कस किया गया और उसे उछाला गया, वो शख्स उस चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता। राइट हनीफ कुरैशी साहब, आपकी तरफ से सवाल मैं लाना चाहूँगा कि जिस बात का जिक्र फहीम ने प्रोग्राम के आगाज में भी किया था कि हजरत इंसान इंसान के अलावा आज सब कुछ बन चुका है, सवाल यह है कि एक एंटरटेनर, एक सेलिब्रिटी जो अपनी पूरी जिंदगी आवाम को एंटरटेन करने के लिए लगा देता है, उसकी एक प्राइवेट वीडियो लीक होती है और फिर उसको सब तनकीद का निशाना बनाते हैं, मीम्स बनते हैं, भूल जाते हैं कि यार ये भी एक इंसान है, इसकी भी बीवी है, इसके भी बच्चे हैं, इसकी भी फैमिली है, क्या सोचेगी, किस सिचुएशन से वो गुजरेगा, क्यों हम ऐसे हो गए हैं, क्यों हम भूल जाते हैं कि तमीज, तहजीब, लिमिट्स क्या होती हैं। हनीफ कुरैशी साहब देखें तला भाई, बुनियादी तौर पर तो ये काम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़ा पहले फरमाया था, कुरान की जाहिर है जब से कुरान है उसमें ये आयात मौजूद हैं कि हुन्ना लिबासुल्लकुम वअंतुम लिबासुल्लहुन, बीवियां मर्दों का लिबास हैं और मर्द बीवियों का लिबास हैं। मैं सिर्फ पूरी कौम से पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, मैं खुद सोचूं कि आप घर में बीवी के पास हैं और बीवी और आपका कोई पर्दा नहीं है और आप अगर उस वक्त उठकर कहीं आप बे हिजाब या बे लिबास होते हैं और ऐसा अपने रूम प्राइवेट रूम में सबके साथ होता है तो आपकी बीवी उठकर ये बना दे तो इसमें आपका क्या कसूर है? मेरी बीवी बना दे, आपकी बीवी बना दे या कोई इस तरह घर के अंदर कोई खुफिया चीजें कर दे तो इस पर क्या कौन इस पर जो है ना कदगा इसको जो है ना वो रोक सकता है? मेरा क्या कसूर है, आपका क्या कसूर है? असल जिस बंदे का कसूर था या जिस बंदी का कसूर था, मैंने पहले भी एक जगह कहा है कि ये कौम हमारी मुनाफकत की राह पर चल पड़ी है। हम गलत को गलत और सही को सही नहीं कहते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बात नहीं है। आज आप जरा और देखें कि प्राइवेट जिंदगियां लोगों की किस कदर उनको जनाब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या मिन हैसुल मुस्लिम मिन हैसुल कौम हम ये सोचें कि क्या भी आगे मुस्लिम अल्लाह ताला और उसके रसूल हमें इन चीजों की इजाजत देता है कि हम किसी के ऐबों की पर्दादारी करें? बल्कि पर्दा तो रखने का, मुफ्ती साहब अगर मैं गलत नहीं हूं तो पर्दा रखने का हुक्म है, क्या आप ऐबों पर पर्दा रखें? राइट
टेक्निकल डिफिकल्टी है कुछ हनीफ कुरैशी साहब, कुछ इंटरनेट का शायद इशू आ रहा है, आपकी आपकी लाइन कुछ इस वक्त फ्रीज हो रही है हमारे पास, आपसे हम दोबारा रब्ता करेंगे, आपकी ऑडियो भी कट रही थी, लेकिन यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि ऐब छुपाना अल्लाह ताला को इतना पसंद है, अल्लाह सुबहाना व ताला को, कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोशिश किया करें अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द लोगों के ऐब छुपाया करें, और यकीनन इससे बेहतर मौला है कायनात का भी यही कॉल है और यही सुनना था कि ऐब छुपाओ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। साहिर है हमारे साथ, साहिर भाई हमारे साथ हैं, साहिर भाई को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र साहिर भाई, कल आप भी मौजूद थे वहाँ और साथ ही थे, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने तासुरात शेयर करें आमिर भाई के लिए। आपका एक बहुत ज़बरदस्त रिश्ता रहा है आमिर भाई के साथ, मैंने देखा है यहाँ बोल पर भी जो है जब आप लोगों की मुलाकात होती थी तो बड़ी बरादराना माहौल में रही है, और मैं बस मैं चाहूँगा कि आप ही इस पर जो है वो बेहतरीन बेहतरीन गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं मेरे लिए अभी भी बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आपको पता है आप भी वहीं थे, मैं जब जिन्ना हॉस्पिटल में था तो उस वक्त पहली मरतबा जब मैंने उन्हें देखा आमिर भाई को, तो वो यकीन मुझे बिल्कुल भी नहीं आया कि यू नो फाइनली दिस इज हैपनिंग। और उसके बाद ऑब्वियसली जो सूरत हाल बनी, मैं अपने ऑफिस में था जब मुझे ये इत्तला मिली, एंड आई जस्ट लेफ्ट इमीडिएटली। फिर आपसे वहीं पर बुला रहा था कि यकीन नहीं आ रहा कि ये एक्चुअली हुआ है, पता नहीं मेरे अब मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं से वो आ जाएंगे। व्हेनेवर ही यूज्ड टू मीट मी, वी यूज्ड टू हग ईच अदर, और हमारी जो दोस्ती थी बड़ी डिफरेंट थी इस सेंस में कि हम लोग मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आमिर भाई और मैं साथ होते और किसी ने हमें अगर साथ देखा हो ना, हम हंसते हंसते फ्लोर पर गिर जाते थे, पता नहीं किन बातों पर हंसते थे। आमिर भाई क्या बातें करते थे, मैंने जब मतलब मैं क्या बताऊं यार, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है बात करना भाई। मैं समझ सकता हूं साहिर भाई, कल भी आप बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाए थे, मैं समझ सकता हूं। ये कहना कि आमिर भाई अब इस दुनिया, पता है एक सवाल है जो डॉक्टर साहब ने हम सब के लिए छोड़ा है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए छोड़ा है जो सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। मेरा तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ताल्लुक नहीं है, मैं उसमें जाता हूँ, शायद मैं उस मैं मुझे समझ नहीं आता सोशल मीडिया, मेरी मेरी कमकली है। लेकिन एक सवाल है जो उन्होंने छोड़ा है सबके लिए कि हम कहाँ बस करेंगे, कहाँ चुप करेंगे। कल हम बात कर रहे थे ना, तो कल मैंने कहा था कि शायद अब कुछ हो जाए, अभी अभी तक भी कोई सिलसिला जारी है, कुछ नहीं हुआ। आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि क्या स्पेकुलेशन हो रही है, और वो अब आपने देख भी ली होगी, रुकने वाला कोई नहीं रुक रहा, और ना ही कोई रोकने के लिए तैयार है साहिर भाई, कोई रोकने वाला है ही नहीं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज स्पेकुलेट मत करें, अपने चंद लाइक्स चंद शेयर के लिए फॉल्स न्यूज ना फैलाएं, खुदा का वास्ता रिक्वेस्ट करता हूँ। कल रात को जब सब चले गए थे तो मैं खुदा दाद गया था, वहां मेरी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है खालिद, उनसे फिर काफी देर तक मेरी बात होती रही। वास्ता इंतजार कीजिए, जब तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई चीज स्पेकुलेट ना करें, और लेट हिम रेस्ट नाउ, लेट हिम रेस्ट। आप जो कर सकते थे उनके साथ आप सबने कर लिया, सबने कर लिया, बट लेट हिम रेस्ट नाउ। लेकिन साहिर भाई अगर ये लोग रेस्ट कर जाएंगे तो उनकी मौत को कैश कैसे करेंगे, तमाशा कैसे बनाएंगे, लाइक्स कैसे लेंगे? तमाशबीन है, हम कॉम तो नहीं है ना, तमाशबीन है, मैं तमाशा देखने का शौक है। देखिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो फहीम, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबसे, अगर कोई सुन सके उस बात को, मान सके, खुदारा ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, हम ये इससे हम बेहिस लगते हैं, कौम नहीं है, किसी सेंस में नहीं है कि आपको आमिर लियाकत का अफसोस नहीं है कि आमिर भाई आपके भाई नहीं थे, कि आमिर भाई ने आपको हजारों रमजान ट्रांसमिशन नहीं दी, बिल्कुल क्या क्या उन्होंने आपको बेशुमार खुशियां नहीं दी, और वो कभी कभी अक्सर अपने आप को रिडिक्यूल कर लिया करते थे जान बुझ के ताकि दूसरे लोग हंस सके, यही वजह, और ये बात मैं जानता हूँ, यही वजह है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मुझे इससे कोई गेन नहीं करना, लेकिन आप यकीन जानिए मेरी जो आखिरी बात हुई थी उनसे, वो तकरीबन करीबन डेढ़ माह पहले हुई थी, और उस वक्त वो जिस कैफियत में थे ना,
आई होप एंड प्रे कि दुनिया में किसी शख्स को भी उस जगह आके उस जगह अल्लाह के ना खड़ा कर दिया जाए। बेशक। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहिर लोधी साहब, सारिम बर्नी साहब, हनीफ कुरैशी साहब, आप तीनों ने अपना यकीनन बहुत बड़ा दिन है। लेकिन जो हनीफ कुरैशी साहब ने बात की ना कि हमें मुनाफिकत बहुत बढ़ गई है, ये मुनाफिकत ही है जिसकी वजह से हम जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जो हमें हमारी खिदमत करता है हम उसी का गला काटते हैं, जो हमें एंटरटेन करता है हम उसी की बुराई करते हैं। और तलहा, चंद लाइक्स, चंद फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया वाले इस तरह से चीज़ों को उछालते हैं जबकि आपको हकीकत और गलत का फर्क पता नहीं होता, बस आप अगले की जिंदगी से खेल रहे हैं, आप ये नहीं सोचते कि उसमें किसी की दिल आजारी हो रही है, तो ये कमाना कैसा कमाना। आमिर भाई के अंदाज में इसको अगर मैं समअप करूँ, क्योंकि उनके अंदाज को तो मैं कभी मरने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाल्लाह, तो उनका ख्याल यही होता है जो कि अभी मैं कहने जा रहा हूँ कि जी अक्ल को रोग मार देते हैं, इश्क को सोग मार देते हैं, आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। अग्रीड। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और आज आ रहा है बजट, एक ऐसी हुकूमत का जो कि थोड़ा ही वक्त पहले पावर में आई है लेकिन बड़ी मुश्किलात का शिकार है। मुआशी तौर पर हम कहाँ खड़े हैं, बजट कैसा होगा, ये डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है माहिर मुआशियात नुमान अब्दुल मजीद साहब। नुमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। हम जानते हैं कि मुल्क के फाइनेंशियल मैनेजर्स ये कहते हैं कि मुल्क अभी दिवालिया हुआ नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि जो हालात, ग्राउंड रियलिटी जो बता रही है हमें, दिवालिया हो चुका है। जो इस वक्त कीमतें हैं अशिया खुरनोश से लेकर, जो बजट का तखमीना है 9,500 अरब रुपए का टोटल आउटले है, जिसमें हम 7,200 अरब रुपए रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू टारगेट देख रहे हैं, 2,000 नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट देख रहे हैं। टारगेट कौन पूरा करेगा, हुकुमरान, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, कोई और नहीं, मैं और आप ये टारगेट्स पूरे करेंगे। हमसे ये चक्की में हमें डाल के हमें निचोड़ा जाएगा कि और टैक्स दो, और टैक्स दो, और टैक्स दो, जब तक तुम्हारी जान ना निकल जाए टैक्स देते रहो। और इकोनॉमिक सर्वे में आता रहेगा कि मुल्क में गधे बढ़ गए हैं, खच्चर और घोड़े उतने ही हैं, और लोग यही सवाल पूछते रहेंगे भाई गधे कैसे बढ़ गए, 1,00,000 गधे पाकिस्तान में बढ़ गए। भाई ये सवाल पूछो कि ये 7,200 अरब रुपए कहां से आएंगे, कौन सा पाकिस्तानी है जो इतना टैक्स देने को तैयार है, जो थोड़े लोग टैक्स देते हैं उनसे ही टैक्स लेते जाओ। मेरे साथ नुमान साहब मौजूद है। नुमान साहब, पहले तो ये बताइए, कहते हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं कर गए हैं, लेकिन ये फिगर्स देखिए, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखिए, ये ट्रेड डेफिसिट देखिए, ये डॉलर की वैल्यू देखिए, पेट्रोल की वैल्यू देखिए, क्या आपको लगता है कि हम डिफॉल्ट नहीं कर गए हैं, या डिफॉल्ट कर गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक होता है टेक्निकल डिफॉल्ट, यानी बेसिकली बड़ी मुश्किल से आप जो है ना, अभी कहने को तो आपने ये कि डिफॉल्ट इस तरह नहीं किया कि आपने जो है लोगों को जो पैसे देने थे आपने वापस कर दिए हैं या आप कर देंगे, लेकिन यहाँ तक टेक्निकल डिफॉल्ट के ताल्लुक है, आपके जो आज रिजर्व्स हैं वो 9 अरब डॉलर के हैं, गालिबा अगले साल की आपकी जो डेट की रीपेमेंट्स हैं वो तकरीबन 35 अरब डॉलर के आसपास हैं। तो बस ये है ना, ये धक्का मार के किसी तरीके से हमारा सिस्टम जो है चल रहा है, और उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ कभी भी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग तो हुई नहीं, और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग होगी कहाँ से। हम आपको याद होगा एक ज़माने में 5 साल इकोनॉमिक प्लान आया करता था, अब 5 साल की सूरत हाल आप ये देखें कि अगर हम पिछले 5 साल की सूरत हाल देखें, हमारे अपनी कंट्री की सियासी सूरत हाल, तो 5 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर और 7 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए। तो जिस मुल्क में 5 सालों के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ये हाल हो कि 5 वज़ीर आज़म और 7 वज़ीर ख़जाना चेंज हो जाएँ, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग होगी क्या, और उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो मसला ये हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो भी हुकूमत आती है ना, अव्वल अक्सर बेशतर तो अनफॉर्चुनेटली अनप्रिपेयर्ड आती है, अपना होमवर्क करके नहीं आती, और दूसरा ये कि वो जो प्लानिंग कर भी रही होते हैं तो वो भी जो है अगले 3-4 महीने की या 6 महीने या साल की कर रहे होते हैं। अब आप ये देखें ना कि मौजूदा सूरत हाल है, अब अगले जो 2 साल ये हैं 2021-22, इससे हमारे मुल्क में 4 हुकूमतें होंगी, ठीक है ना, एक खान साहब की गई, एक मौजूदा हुकूमत है, एक इंटरिम आएगी, इस साल आती है, अगले साल आती आएगी तो सही, और उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। अब ये जो हर गवर्नमेंट होती है ना, अपने पॉलिटिकल टेनर के हिसाब से प्लानिंग करती है, कोई भी ये नहीं करता कि मैं ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करूं। हालांकि आप यकीन माने कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक मसाइल है ना, हमारे मसाइल की जो जड़ है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है ना, मसाइल की जो जड़ है करंट अकाउंट की वजह से आपकी महंगाई भी बढ़ती है, रुपया भी नीचे जाता है। क्या होता है, क्या होता है नुमान भाई, जब आप करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हो तो बहुत सारे व्यूअर्स हमारे समझ नहीं पाते हैं, समझाना जरूरी होता है कि जारी खातों का खसारा, यानी कि हमारे जो खर्चे के पैसे है ना वो भी हमारे अकाउंट में नहीं है, महीने का बिल ऊपर चढ़ा हुआ है और अकाउंट में 0 पैसे और हम माइनस में चल रहे हैं, इसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए, करंट अकाउंट ये होता है कि बेसिकली आपको ये डॉलर पेमेंट्स है ना, आप जो बहुत सारी चीजें आसान अल्फाज में समझ, जारी खाते भी शायद लोगों को समझ में ना आए,
बात यह है कि हम जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं डॉलर के हवाले से जो करते हैं, यानी हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है, रेमिटेंसेस आती हैं, हम आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी चीज़ें जिसका ताल्लुक डॉलर से है उसके हवाले से जो है, जो चीज़ उसका जो बैलेंस बचता है उसे करंट अकाउंट का डेफिसिट कहा जाता है आसान अल्फाज में। अब देखिए हमारे उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी आप शामिल कर लेते हैं, कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो करंट। अब ये बताएं, आगे बढ़ें मैं एक कंपैरिजन लेकर आया हूं, आई होप प्रोड्यूसर साहब चला सके, मैंने उनको अभी भेजा भी है। इंडिया में इस वक्त एक डॉलर है 77.7 इंडियन रुपी जी, बांग्लादेश में एक डॉलर है 92.3 रुपीस, अफगानिस्तान में एक डॉलर है 88.6 अफगानी करेंसी, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी पीछे चला गया। उसकी वजह है ना, आप ये देखें कि इंडिया के देखें जो आपकी करेंसी की वैल्यू होती है वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बेस पर होती है। आपकी एक्सपोर्ट कितनी है, तकरीबन 30 अरब डॉलर आज की जो है इंडिया की है, 400 अरब डॉलर, ठीक है। आपकी सर्विस एक्सपोर्ट कितनी है, तकरीबन 5 अरब डॉलर, इंडिया की 250 अरब डॉलर है। आपके रिजर्व्स कितने हैं, 10 अरब डॉलर, उनके 650 अरब डॉलर हैं। तो भाई इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का ही कोई नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। और अर्ली 90s में जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बना था मनमोहन सिंह ने जो बनाया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब शुरू हुई और फिर वो 20 साल में उसके रिजल्ट आना शुरू हुए, तो आज इंडिया यहाँ खड़ा हुआ है। आप सर वो शुरू से अपनी एम्बेसडर गाड़ी में चलते हैं, हम शुरू से जो है ना लैंड क्रूजर V8 में चलते हैं, बड़ा फर्क है हमारे स्टांस में और उनके स्टांस में। बट द क्वेश्चन एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डेट सर्विसिंग, हम कर्जों के सूद में 3,500 अरब रुपए इस बजट में रख रहे हैं जी। अब मुझे नुमान भाई ये बताएं, हम पाकिस्तानी अपने मुल्क में हर किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं जी, बैंकों के कर्जे माफ करवा लेते हैं, इस उसके पैसे खाना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी यूं सी बात है, मैंने उसे पैसे लिए खा गया वापस ही नहीं किए। हम क्यों नहीं दुनिया को बोल देते कि भाई हमारे पास ये पैसे नहीं है जो आपने हमें कर्जा दे दिया है 100 अरब डॉलर का, नहीं हमारे पास, हम आपको वापस नहीं करेंगे, आपने हमें डिफॉल्ट करना है कर दें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं इससे ज्यादा बुरे हालात थोड़ा हो भी जाएंगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, पाकिस्तानी बड़े ताकतवर हैं बर्दाश्त कर लेते हैं, भाई डिफॉल्ट हो जाए कम से कम ये डेट सर्विसिंग, और इस डेट से तो जान छुड़ाएं यार, कब्जा करें, बदमाशी करें, बोले निकलो यहां से, हम नहीं दे रहे पैसे, और ईरान हमारा पड़ोस में बैठा हुआ है हमें तेल देने के लिए, रशिया हमारे हमें तेल देने के लिए बैठा हुआ है, इंडिया श्रीलंका और रशिया से ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते हैं, तो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क की कुछ मुझे बिका हुआ लगता है नुमान भाई। देखें बात यह कि जहाँ तक हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क का ताल्लुक है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी ज़ाहिर है कि तफसीलात में जाने का वक्त ही नहीं है अभी, कि हमारे यहाँ सूदी निज़ाम क्यों है, हमारे मुल्क में हम किस तरह IMF के पंजे के अंदर हैं। बुनियादी तौर पर जो बात है ना, देखिए ये तो मैं समझता हूँ मसले का हल नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट कर दें, मसले का बुनियादी हल ये है कि हमारे जो इकॉनमी के और ट्रेड के जो बुनियादी फंडामेंटल्स हैं उनको ठीक करना होगा। और देखिए मैं आपको छोटी सी आपको मैं कैलकुलेशन दूँ ना, अगर तो आप फाइनेंस के बंदे आप समझ जाएंगे, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है जो मसाइल की जड़ है 14 अरब डॉलर है, सवाल ये है कि उसको ठीक कैसे करना है। पहली चीज़ तो ये समझ लें कि कोई भी शख्स जो है ना इसको ओवरनाइट ठीक नहीं कर सकता, लेकिन साल से 2 साल में इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे, सवाल ये है, पता है इसका हल क्या है, उसका हल ये है कि आपकी इकॉनमी का जो आपका जो एक करंट अकाउंट उसके पाँच या छः कॉम्पोनेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो रेमिटेंसेज हैं वो 30 बिलियन डॉलर साल की आती हैं, ठीक है, अगर 15 बिलियन डॉलर ख़त्म करने हैं ना, आप उसको 10% से अगर बढ़ाएं, अपनी लेबर फोर्स को तैयार करके इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भेजें सिर्फ 10%, तो 3 अरब डॉलर वहाँ से आ जाएंगे आपकी। अच्छा, आपकी IT एक्सपोर्ट तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर के आसपास जो हैं अभी, इंडिया की 125 हैं, उसमें थोड़ी सी आप मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत, तो ये 10 तक पहुँच जाएंगे, 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए। अच्छा, आपकी इंपोर्ट्स कितनी है, 75 अरब डॉलर हैं, अगर सिर्फ 5% इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करें ना, 5% वो जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं लोकल बनाए, तो तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर आ गए, 12 अरब डॉलर यहाँ से आ गए। अच्छा, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आती है वो आती है आपकी 1.5 बिलियन डॉलर, ये कुछ भी नहीं है, इसको 5 अरब डॉलर पे लेके जाना साल का कोई मसला नहीं है अगर तरीके से चले। कहने का मकसद ये, आपको जो मैंने मोटी मोटी चीज़ें बताई इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, हमारी एग्री की वेस्टेज है जो हमारा जो 50% है वही बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, तो कहने का मकसद ये है। हाँ, लेकिन मेरी नज़र में आपका सोल्यूशन नुमान भाई 1-2 सालों के ऊपर मुहित है, मेरा सोल्यूशन 1-2 महीनों के लिए, 1-2 महीनों में आप 14 बिलियन डॉलर यूँ जमा कर सकते हैं। पहले तो आप जो आपका ईरानी तेल और ईरान के बॉर्डर से स्मगल होकर सामान पाकिस्तान में आ रहा है इसको लीगलाइज कर दें, आप बना दें ईरानी पेट्रोल पंप, सप्लाई करें पूरे सिस्टम में लेकर, आप इसको लीगलाइज कर दें, आप 1 महीने में 14 बिलियन डॉलर नहीं, इससे बहुत गुना ज्यादा कमाएंगे सर। अच्छा देखिए, बताया कि ये थोड़ा सा इसके अंदर हमें जो ना इसके अपनी इकॉनमी का स्ट्रक्चर समझना होगा, कि हम जो कहते हैं ना कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, आपकी जो इकॉनमी कर गए मेरी नज़र नहीं, चलो वो तो खैर एक अलग डिबेट है। इकॉनमी की जो लाइफलाइन है ना वो 2 चीज़ें हैं, एक आपकी रेमिटेंस और एक्सपोर्ट है। अगर आप जो है IMF से इंटरनेशनल डिफॉल्ट कर जाएंगे तो आपसे एक्सपोर्ट कौन लेगा, आपका माल खरीदना छोड़ देंगे, रशिया भी लेगा नहीं, मैं टेक्सटाइल की बात, अमेरिका ना ले,
ना ले सर, वे देयर इज अ विल नुमान भाई, देयर इज अ वे. हमारी विल ही नहीं है, हमारी नियत ही नहीं है, नियतों का फुकदान है. देखें रास्ता है, एक हमारा दोस्त है अमेरिका जिससे हम पैसे लेते आए हैं, उसके कहने पे आईएमएफ चलता है, बात ही नहीं कर रहा आईएमएफ चलता है. लेकिन हमें जब तक हम इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, जान छुड़ाने के लिए आपको अभी ट्रेड ठीक करनी पड़ेगी ना. मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट्स हैं आपकी भाई, 30 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट है जो ज्यादातर आपकी यूएस यूज आती है. अब रेमिटेंसेस तो आप मानते ना कि रेमिटेंसेस ट्रेड कैसे सही करेंगे. आप एग्रीकल्चर को देखें, गंदुम आप 30 लाख टन इम्पोर्ट कर रहे हैं, 1.6 बिलियन डॉलर की वो गंदुम आ रही है जो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं. ये गंदुम हम एक्सपोर्ट करते थे, तो ये तो ठीक करने की जरूरत है ना. तो हमने खुद अपने हाथ से अपने एग्रीकल्चर को तबाह किया है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को तबाह किया है, अपनी सर्विसेज को तबाह किया, फिर कहते हैं ओ शिट यार गधे बढ़ गए हैं मुल्क में. नहीं देखिए बात ये है कि इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भाई हम जब तक फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे ना. अब आप कहते हैं कि हम रेमिटेंसेस देंगे, मिसाल रेमिटेंसेस को तो मानते ना कि रेमिटेंसेस बहुत जरूरी है. अब जरूरी है ना, अब रेमिटेंसेस आपकी कहां से आती हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी वोट देने का हक नहीं दे रहे. वही वो तो है. अब ओवरसीज पाकिस्तानी का 65% आपका गल्फ में है और 35% आपका यूरोप में है, ठीक है, यूरोप और यूएसए में है. अब आज अगर आप डिफॉल्ट कर जाए तो आपकी रेमिटेंसेज का आपकी बैंकिंग चैनल ही शायद बंद कर देंगे. देखिए बात यह कि बहुत सारी चीजें हैं सर, बैंकिंग चैनल की एलसीज इंटरनेशनली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की और बड़े बड़े इदारों की नहीं खुल रही हैं, कैंसिल कर रहे हैं. जो इंटरनेशनल बैंक गारंटियर है वो कह रहा है कि नहीं भाई आपके पास तो पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, हम कैसे गारंटी ले. जो आप बातें कह रहे हैं वो ऑलरेडी हो रही है मुल्क में. देखिए बात यह है कि ये चीजें जो है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आप अपने ट्रेड के फंडामेंटल्स ठीक नहीं करेंगे इकॉनमी के, देखिए ये सब चीजें ड्यूरेबल है, फंडामेंटल हो, इकॉनमी के फंडामेंटल्स हो, सब कुछ तभी ठीक होना जब नियत होगी. यहां नियत ही नहीं है, यहां सब कुछ मिले हुए, गवर्नमेंट बिक गई है जो सोशल मीडिया पर चलता है और लग ऐसा ही रहा है कि आवाम को फिर चक्की पीसा जाएगा. एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद देखते रहिए दुनिया बोले, डिस्कशन जारी रहेगी. थैंक यू नुमान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस ट्रांसमिशन. हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक लेते हैं. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और हम बात कर रहे हैं बजट की, के बजट आने वाला है, बजट की आमद आमद है. लेकिन ये बात तो पूछना ही फजूल है तलहा कि क्या ये बजट अवाम दोस्त होगा, जिसका हमें यकीन है? बिल्कुल भी नहीं. 4,000 अरब के खसारे का बजट, 9,500 अरब कुल तखमीना, 7,255 अरब टैक्स रेवेन्यू से कमाए जाएंगे, यानी हम पाकिस्तानियों से निकाले जाएंगे. 2,000 अरब नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा, वो भी हम पाकिस्तानियों से लिया जाएगा. ज़रात हमारी तनजुली का शिकार होगी, यानी हम दोबारा गंदुम इंपोर्ट करेंगे, यानी दोबारा हमारी मकई इंपोर्ट होगी, यानी दोबारा हमें जो है दुनिया भर में जाके कटोरा फैलाना होगा कि भाई हमें मजीद भीख दे दो. माहिरीन का ख्याल है, इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये बोला है कि पाकिस्तान को 41 अरब डॉलर फौरन चाहिए. तलहा आपकी माशाल्लाह इसमें बहुत एक्सपर्टी है, आपके नंबर्स डिटेल्स बहुत अच्छी हैं. मैं एक आम आवाम के तौर पे, एक आम घर की औरत, घरेलू औरत, जैसे मेरा मसला है कि ये बजट तो बना दिया, मैं अपने घर का बजट कैसे बनाऊंगी? और मुझे थोड़ी डिटेल मैं चाहूंगी कि आप बहुत आसान अल्फाज में समझाएं ताकि हमारे नाज़रीन को ही पता चले. वर्दा देखो, तुम्हारे घर के बजट में डेफिसिट नहीं होगा. तुम हमेशा से अपना रेवेन्यू सामने रखोगे कि मेरे पास 1,000 रुपए है, मैंने एक महीना गुजारना है इसमें, इस तरह मैं हर रोज इतने पैसे खर्च करूंगी. गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहती है कि मेरे खर्चे हैं 10,000 रुपए, मेरे पास है 1,000 रुपए, अब 9,000 में किससे उधार लेता हूं? ये देखो, ये 4,000 अरब का खसारा है इस बजट में. पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन नहीं पता कहां से लेंगे. पैसे नहीं है हमारे पास. देखिए मैं तभी ये आज थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहा था नुमान साहब जो हमारे प्रोग्राम में थे, मायरे मुआशियात, कि हम डिफॉल्ट एक्चुअली कर गए हैं. लेकिन क्या है कि जो हमें पैसे देता है उधार, उसका नाम है आईएमएफ. आईएमएफ को मालूम है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो मेरे ही पैसे डूब जाएंगे. तो वो क्या करता है कि वो आपको 2-2 रुपए देता रहता है कि यार ये जिंदा रहे, ये डिफॉल्ट ना करे. डिफॉल्ट करके आप मेरे पैसे कहां से आएंगे वापस? इसको काम करो, चलाते रहो, चाहे कितना ही गिर जाए. तो हम इस कदर गिर चुके हैं, लेकिन हमें वो गिरने प्रॉपरली नहीं दे रहा. जब तक हम गिरेंगे नहीं प्रॉपरली, हमारे घुटनों पे चोट नहीं आएगी, क्योंकि लातों के भूत बातों से मानते नहीं हम पाकिस्तानी को. हमको लाते पड़ना जरूरी है, फिर हम मानेंगे कि हम डिफॉल्ट कर गए हैं. जब पेट्रोल अभी 200 250 300 का मिलेगा हम खरीदेंगे, जब नहीं मिलेगा ना तब सीधे हो जाएंगे. वर्दा, डिफॉल्ट करना जरूरी है, फॉर्मली डिफॉल्ट करना जरूरी है, इनफॉर्मली हम कर चुके हैं. लेकिन तला बात तो मैं खड़ी हो जाती है कि अगर मैं एक आम आवाम की तरह बात करूं, मैं कहूं कि देखें बजट तो मेरे ख्याल से शायद खानापूरी के लिए रह गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आईएमएफ की शराइत के तहत बजट बनाया जा रहा है. ये बात हम सबको पता है, डिक्टेशन, पूरी डिक्टेशन वहां से आ रही है और हम बजट बना रहे हैं. और आईएमएफ हमारा दोस्त नहीं है.
लेकिन हम तो आवाम का ख्याल कहाँ कर रहे हैं यहाँ पे, हुकूमत का? यहाँ IMF का ख्याल करो भाई, IMF का ख्याल करो, आवाम की नहीं, नीयतों का फुकदान है। अगर नीयत में आवाम होते तो आवाम का ख्याल किया जाता, नीयतों में ही IMF है, नीयतों में अमेरिका है, नीयतों में फॉरेन पावर्स है कि उनके पास जाना है, हमारी दौलत वहां है, हमारे बच्चे वहां है, हमारे अब्बू वहां है, हमारे पार्टी के लीडर वहां है। पाकिस्तान में तो लोग कमी रहते हैं, पैसा भी कमी रखते हैं, इसलिए इंटरेस्ट नहीं है। अभी आप देखिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। कब तक ये जो बजट है ये IMF के लिए बनेगा, अमेरिका के लिए बनेगा, फॉरेन डोनर्स के लिए बनेगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्यों नहीं बनता, जो हमें रेमिटेंसेस के 5-5, 6-6, 7-7 अरब डॉलर भेजते हैं, जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी पैरों पर खड़ी रहती है, उनको आप वोट के हक से महरूम करने की बातें कर रहे होते हैं, नई कानून साजी कर रहे होते, फिर आप कहते हैं नहीं हम उनको वोट का हक देंगे। असल में हमें पाकिस्तानियों का सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम वर्दा किस तरीके से उसको रिलीफ दें, किस तरीके से उसके लिए रोटी सस्ती करें, घर सस्ता करें, कपड़ा सस्ता करें, पेट्रोल सस्ता करें, गाड़ी सस्ती करें, उनके लिए हर चीज महंगी होती जाएगी। हर साल हम अपने टैक्स का टारगेट वर्दा 2-2 हजार अरब से बढ़ाए जा रहे हैं। तलहा अफसोस तो यही है कि आवाम के बारे में कोई सोच नहीं रहा। पहले हम ये बात करते थे कि आवाम दोस्त बजट होगा, अब तो आवाम के लिए दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई है। आवाम के सच्चे दोस्त हैं तो पहली फुर्सत में सच्चा ऐलान भी कर दें कि पाकिस्तान की मईशत की सच्ची सूरत हाल ये है कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, हमारे पास नहीं है अब पैसे, डॉलर नहीं है। जावेद कुरैशी साहब सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइए, मेरा ये नजरिया है, आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हमारे माली मामलात हैं बज़ाहिर मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन जो हमें उधार पैसे देता है IMF वो चाहता नहीं है कि हम डिफॉल्ट करें क्योंकि उसके पैसे डूब जाएंगे, इसलिए वो हमें 2-2 रुपए करके देता रहता है कि हाँ यार इनकी गाड़ी चलती रहे। क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तला शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और ताजिर बिरादरी का मौकफ लेने के लिए। आपने जैसे कहा कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, मैं तो काफ़ी अरसे से ये बात कह रहा हूँ, ये गोरखधंधा है बजट, और इसके अंदर जिस तरीके से ये हेर फेर कर कर कौम को जो दिखाया जाता है, हकीकत इसके बरक्स होती है। मैं कुछ फिगर आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आवाम और ताजर बिरादरी उसको ज़रा गौर से ज़रा सुन ले। इस वक्त हमारी जो है देखने में माशी माहरीन के मुताबिक इस साल बजट का खसारा 30 जून 2022 तक 5,000 अरब रुपये तक का पहुँच गया। इसके दौरान आप 5,000 अरब के अंदर कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे? मुल्क का बजट खसारे के साथ इस साल का बजट बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन महंगाई की शरह इस वक्त 13.8% हो चुकी है, लेकिन तेल की कीमतों के बाद जो जंप आया है, ये महंगाई की शरह जो है 16 से 17% बढ़ जाएगी, तो उसके बाद आम आदमी का कैसे गुजर बसर होगा? और करंट अकाउंट खसारा हमारा 13.6 अरब डॉलर से तजावज कर हो चुका है, लेकिन 43 अरब डॉलर है इस वक्त। यानी ये कुछ फिक्र थी जो मैंने नोट की थी, लेकिन राइट कुरैशी साहब, आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, हम वेलकम करेंगे अपनी ट्रांसमिशन में शारिक वोरा साहब को, आप साबिक सदर हैं KCCI के, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। थैंक यू सो वेरी मच वोरा साहब, आपने कीमती वक्त में दिया। मैंने ये सवाल जो है कुरैशी साहब से भी किया, आपसे भी करता हूँ वोरा साहब। बज़ाहिर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इकोनॉमिक कंडीशन है मुल्क की, मुआशी सूरत हाल है, उससे मेरा ये नजरिया है कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं लेकिन हमें बचाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे वोरा साहब? अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये कहना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली अ वेरी वेरी रॉन्ग स्टेप। राइट, वजह ये है कि देखें सिर्फ मफरूजों की बुनियाद पर कह देना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, डिफॉल्ट का मतलब समझना, और प्लस जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं, जो आम आदमी है उसको समझाना, ये एक इट्स अ वेरी वेरी डाउंटिंग टास्क। देखें डिफॉल्ट जब कोई कंट्री करता है तो उसकी पूरी दुनिया में जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं उस पर पाबंदी लग जाती है। ठीक, अनफॉर्चुनेट ये है कि हम लोग जो हैं वो नंबर्स का एनालिसिस किए बगैर जो है वो स्टेटमेंट दे देते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन सर, यू बीइंग अ जर्नलिस्ट आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर अग्री। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो आज से 6 माह पहले थी, जो 1 साल पहले थी, उसके जो फिस्कल और मॉनेटरी और ट्रेड इंडिकेटर्स जो आज से 1 साल पहले थे वो आज भी हैं, शायद उससे कुछ बेहतर है। आज ही हमारी जो इकोनॉमिक रिव्यू आया है, जो आप देखें
उसमें पिछली गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो बताती है कि इन मोस्ट ऑफ द एरियाज दे वर डूइंग फाइन. तो ये कह देना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, आई थिंक दिस इज नॉट राइट. पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो डेफिनेटली ज़्यादा है, और लेकिन जो भी ममालिक की इकॉनमी एक्सपेंड जब करती है, जब आपकी इकॉनमी वाइब्रेंट होती है तो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बढ़ती है. अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं उस लिहाज से जिस लिहाज से हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई, और एक्सपोर्ट हमारी इसलिए नहीं बढ़ी कि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा सरप्लस चीज़ें हैं नहीं, आज भी नहीं है, आज से 25 साल पहले भी नहीं थी. तो ज़रूरत इस बात की होगी आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए कि वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करें. जब तक एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं क्रिएट करेंगे हम प्रॉबेबली अपना इसलिए जो खसारा जिसको आप तजारती खसारा कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट वो ना तो कम होगा बल्कि बढ़ेगा. उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, और पिछली गवर्नमेंट ने जो स्टेट बैंक ने टर्फ में फाइनेंसिंग की थी, दूसरी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फाइनेंसिंग की थी, जब वो सारी ऑनलाइन प्रोडक्शन आ जाएगी तो हमारा इम्पोर्ट बिल आने वाले इस साल में और बढ़ जाएगा. तो हमको तो ये सोचना है कि हम अपनी उस इम्पोर्ट के लिए डॉलर्स कहाँ से लाएंगे, और अगर हम ये कहें कि हम इंडस्ट्री को बंद कर दें, हम अपनी इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट कर दें, हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को छोटा कर दें, तो उससे मसाइल और ज्यादा बढ़ेंगे. राइट वोरा साहब पूछिए. नहीं आप सवाल कीजिए. वोरा साहब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक बात बताइए. मैंने जो अपना ओपिनियन आपके सामने रखा वो मफरूजों की बुनियाद पर आपको लगा, लेकिन वो था नहीं, क्योंकि आप देखें हमारा इस वक्त ट्रेड डेफिसिट $43.3 बिलियन है. ऐसे वाजे हो गया कि हम अपनी ट्रेड सही नहीं कर रहे हैं. जो गंदम हम एक्सपोर्ट करते थे आज हम $1.6 बिलियन की गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं. सैडली जो यूरिया हम एक्सपोर्ट करना चाहते थे आज हम सैडली 2,00,000 टन यूरिया ग्रैन्यूलर इंपोर्ट कर रहे हैं. हमारा इस वक्त ट्रेड डेफिसिट तारीख की बलंतरीन सतह पे है, बजट डेफिसिट तारीख की बलंतरीन सतह पे 4,000 अरब रुपए है, करंट अकाउंट डेफिसिट बड़े हाइट पर इस वक्त पहुंचा हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बुरी हालत में है, डॉलर तारीख की बलंतरीन सतह पर है, बिजली महंगी तरीन सतह पर है, पेट्रोल महंगी तरीन सतह पर है, गैस महंगी तरीन सतह पर है, आटा चावल रोटी कपड़ा. शायद सर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होंगी. वो गरीब आदमी जो 25,000 में पूरा महीना गुजारता है, जो एक ड्राइवर है, जो मिनिमम वेज पे काम करता है, दो वक्त की उजरत के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए पूरा दिन पसीने में गर्मी में काम करता है, उसका जरा सोचिए वो किस तरह 15,000-20,000-25,000 से पूरा महीना गुजारता है. मैं आना चाहूंगा कुरेशी साहब की तरफ. कुरेशी साहब, वोरा साहब कहते हैं कि हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमारे इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, आप क्या कहेंगे कुरेशी साहब? देखिए जी, वोरा साहब की अपनी ओपिनियन है और वो एक ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आप आम आदमी और छोटे ताजर के मुतालिक कोई बात करने को तैयार नहीं है. जिस तरीके से आपने कहा, मैं ये बार बार कह चुका हूँ, इस महंगाई के दौर के अंदर 25,000 और 30,000 सैलरी वाला अपना बजट किस तरीके से मेंटेन करेगा, और छोटे ताजरों के ऊपर 2 साल तक जो कोविड के अंदर जो बुरे हालात हमने गुजारे थे उसके बाद आज फिर यानी ये समझे कि माशी एमरजेंसी लग चुकी है, और हमें कहा जाता है कि आप अपने जो तजारती मराकज जो शॉपिंग सेंटर है बाल को 8:30 बजे बंद कर दें. इस तरीके से एनर्जी सेविंग की जाएगी. मैं इनसे पूछता हूँ, चले जी हम एग्री हैं जी, हम ये हुकूमत की बात मान भी लेते हैं, लेकिन हुकूमत इस बात की ये करे कि इस ओवर के अंदर कहीं भी कमर्शियल एरिया में कहीं भी लाइट सही इस बात की गारंटी दें कि ये इसके अंदर लोड शेडिंग ना की जाए उस दौरान में, इस दौरान ना की जाए. लेकिन हालत ये है कि आज भी 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग है. मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एनर्जी मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब और मिफ्ता साहब तमाम लोग बैठे, इतनी ढिठाई से वो झूठ बोल रहे थे अपने खुर्रम दस्तगीर साहब के 2 घंटे की लोड शेडिंग है. शायद उनके घर पे 2 घंटे की लोड शेडिंग हो, लेकिन पूरे मुल्क में इस वक्त लोड शेडिंग का जो आजाब आया हुआ है वो इनका. कल मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट भी आया था, वो आवाम से सवाल कर रही थी कि अब तो लोड शेडिंग नहीं हो रही, तो पता नहीं कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि जी पहले लोड शेडिंग हमारी 16 घंटे हो रही थी अब 12 घंटे हो रही है. लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहना चाहूंगी कि लोड शेडिंग हर जगह हो रही है, और 6-6, 8-9 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है. 6 घंटे लाइट आती है, 6 घंटे लाइट जाती है, 4 घंटे आती है तो 6 घंटे जाती है. कुरेशी साहब वेलकम बैक टू यू, लेकिन मुझे वोरा साहब से एक सवाल पूछना है इस वक्त. वोरा साहब, अगर हम डिफॉल्ट नहीं कर गए, अगर आपके ओपिनियन मैं बिल्कुल मानता हूं एंड आई पे फुल रिस्पेक्ट टू इट, माय क्वेश्चन टू यू इज सर,
कि अगर हम डिफॉल्ट नहीं कर गए, फिर क्या वजह है कि जिस मुल्क में कई सौ सालों से जंग चल रही है, हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान, वहां पर डॉलर आज उनके 90 रुपए करीब है और हमारे यहाँ 200 रुपए करीब है। अफगानिस्तान से तो हम हमेशा आगे हुआ करते थे सर, आज वो भी हमसे आगे निकल गया है, तो आप समझते हैं हम डिफॉल्ट नहीं कर गए? देखिए, डिफॉल्ट अगर आप ये कहते हैं कि डॉलर रुपी का जो पैरिटी है उसकी तब्दीली से डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट इकोनॉमिक कंडीशन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल वोरा साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जी देखिए, इकोनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है, और ये जो अभी आपने कंपैरिजन किया है अफगानी से और डॉलर पाक रुपी की पैरिटी से, देखिए जो अफगानिस्तान है उसकी इकोनॉमी का साइज इज टू स्मॉल, वो एक पाकिस्तान के एक मोहल्ले जितनी भी उसकी इकोनॉमी नहीं है। हम $380 बिलियन का टोटल GDP है हमारा, और इनफॉर्मल कितना है सर, इनफॉर्मल कितना है, ये तो आपने फॉर्मल बताया, इनफॉर्मल कितना है? 40% इसका जो है वो इनफॉर्मल है, और वो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। इस वक्त भी अनडॉक्यूमेंटेड है, अनटैक्स्ड है। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी है उसका फेल्योर है, और पाकिस्तान के जो टैक्सेस हैं कुड हैव बीन मच बेटर। ये कहना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, मैं सर आपको सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि डिफॉल्ट एक ये होता है कि मैंने अगर बैंक से पैसे लिए हैं 100 रुपये, मैं बैंक को जाके कहता हूँ कि जी अब मैं ये नहीं दे सकता, मेरा डिफॉल्ट लिख लो, दिस इज डिफॉल्ट। पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया, पाकिस्तान के पास आज भी $10 बिलियन है जिसमें राइट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सदर शारिक वोरा साहब, KCCI के साबिक सदर हमारे साथ है, जावेद कुरैशी साहब ताजुर रहनुमा हमारे साथ है, आप बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन शारिक वोरा साहब ने कहा कि हमने डिफॉल्ट नहीं किया ना, एग्री शारिक वोरा साहब, फॉर्मली हमने डिफॉल्ट नहीं किया बट इनफॉर्मली कर लिया। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अब आपको मिलाएंगे एक हीरो पाकिस्तानी से, एक ऐसे शख्स जिसने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन कौन है शख्स उसके बारे में पहले आपको बढ़ता बताएंगे फिर मिलवाएंगे। बिल्कुल, एनडी यूनिवर्सिटी का नाम हम सब जानते हैं और ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी, और एनडी यूनिवर्सिटी की 100 साल सालगिरह का जश्न मनाया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी ने 10 करोड़ एलुमनाई ने एक फंड रेजिंग स्कीम स्टार्ट की, उन्हें फंड रेजिंग करना स्टार्ट की है, जिसके ज़रिए 150 मुस्तहिक तलबात को मुफ्त तालीम दी जा सकेगी, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तारीख के 54 कामयाब तरीन तलबा बुक की रुनुमाई भी की गई है, और इसमें हम आपको मजीद आगे ही बताएंगे, आपको मिलवाएंगे भी, मुलाकात भी करवाएंगे इस बुक के राइटर से। आफताब रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आफताब साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आफताब रिजवी साहब का थोड़ा इन डेप्थ तारुफ भी होना चाहिए, थोड़ा आपको बताएं, ये साफी भी रहे हैं, ये एंकर भी रहे हैं, ये PTA में भी इन्होंने काम किया है, और फिर इन्होंने NED से इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद इन्होंने जो है पाकिस्तान में बड़े बड़े प्लांट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्रिएट किए और उसके अंदर अपना किरदार अदा किया, और फिर ये बाहर चले गए, फिर ये किताब सामने आई है जिसके अंदर इन्होंने 54 NED के ऐसे स्टूडेंट्स को हाईलाइट किया जो उस वक्त दुनिया में कामयाब तरीन, और फिर उन्होंने एक ऐसा फंड क्रिएट किया है जिसके जरिए फ्री तालीम दी जा रही है NED से ही, और फिर उन बच्चों की कामयाबी तक का सफर। रिजवी साहब, हुकुम कूजे में समा दिया है हमने। देखिए, पहले इससे पहले कि मैं किताब पे बात करें, आपकी आवाज़ इतनी माशाल्लाह भारी है कि लग रहा है मुगले आजम पिक्चर देख रहे हैं और अकबर बादशाह बोल रहा है, अनारकली कहीं से भी निकलती है। अल्लाह का मैं ये तो नहीं कह सकता कि अनारकली साथ बैठी है, क्योंकि इतनी आज़ाद नहीं हो सकती हूँ, लेकिन ये कि देखिए मैंने ये जो कोशिश की है, जो आपने छोटा सा तारुफ कराया, हम लोगों पर कुछ कर्ज होते हैं, एक कर्ज हम लोगों के माँ बाप का होता है जो हम कभी नहीं उतार पाते, एक कर्ज हमारी उस दर्जगाह का होता है जिसने हमें तालीम दे के हमें इंसान बना के और मार्केट में एक प्रोडक्ट की हैसियत से डाला जाता है। तो हम NEDians ये समझते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट बनाया है वो NED ने बनाया है। आज हम जिस मुकाम पे भी हैं, हम अपने उस मादर इल्मी की वजह से हैं। तो हम लोगों ने ये फैसला किया, हम तीन लोगों की एक टीम थी, नॉर्थ यानी न्यूयॉर्क से अमीरुल इस्लाम थे जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, जर्सी प्रिकास्ट उसके मालिक हैं, यहाँ पैरागॉन कंस्ट्रक्शन के आफ्ताब सिद्दीकी हैं जो PTI के MNA भी हैं, और कनाडा से मैं हूँ। तो मैं राइटर था तो मैंने किताब लिखी, हम लोगों ने शख्सियतों का इंतखाब किया, फिर हमने इसकी एक कॉज बना दी, वो कॉज ये है कि सारे एलुमनाई इसमें डोनेशन दें। हम एक 10 करोड़ रुपए का टारगेट है हमारा, जिससे हम एक एंडोमेंट फंड कायम कर रहे हैं, पैसे डायरेक्ट NED के अकाउंट्स में जा रहे हैं, वी आर नॉट टचिंग एनी मनी, वी आर नॉट शेयरिंग दैट डोनेशन इन द कॉस्ट ऑफ दिस बुक, ये हमने अपनी जेब से बनाया है,
और उसको जब हम शरिया कंप्लाइंस में 10 करोड़ रुपए को रखेंगे तो टेंटेटिवली हमें 12% उस पर प्रॉफिट आएगा, और 1,20,00,000 रुपए जो हमें हर साल मिलेंगे हम उसमें मिनिमम 150 बच्चे को फॉर एवर फॉर एटर्निटी ताया ताया ज़िंदगी ताया निडी मुस्तहक बच्चों को तालीम देते रहेंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम अपनी तालीमी दर्जगाह का कर्ज उतारें। इसमें आपने एक माजी स्कॉलरशिप का भी इंट्रोडक्शन करवाया है। इसको हमने स्कॉलरशिप का नाम माजी दिया है, और हमारा इस पर कॉन्सेप्ट ये है कि एक तालीमी इदारा हमारी माँ होती है, एक हमारी अपनी माँ होती है। सुभान अल्लाह। और हमारी माँ ने जो मशक्क़तों से 50 साल पहले हमें और हमारे जैसे दोस्तों को पढ़ा कर अपना पेट काट कर मजदूरी करके हमें आगे बढ़ाया है, तो उस माँ का भी कर्ज उतारा जाए। तो इसमें जो माँ जी हमने स्कॉलरशिप का नाम रखा है, तो हमने उस पर स्लोगन ये दिया है कि ये आप पैसे एनईडी को नहीं दे रहे, ये आप तालिबे इल्मों को नहीं दे रहे, ये आप पैसे अपनी माँ जी के अकाउंट के इसाले सवाब के लिए एनईडी के एंडोमेंट फंड में डालना। क्या बात है रिजवी साहब, क्या बात है, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत सोच है। रिजवी साहब ये बताइए कि रिसेंटली एनईडी का नाम डिजिटल स्पेस में एकदम से ऊपर चढ़ा, वजह ये थी कि मर्सिडीज बहुत बड़ा नाम है गाड़ियों की इंडस्ट्री का, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक विंग के जो चीफ लगे हैं अब वो 10-12 सालों से लगे हुए जर्मनी में जो है, और वो जर्मनी में जो है एक पाकिस्तानी एनईडी का इंजीनियर, तो यकीनन एनईडी देखे एनईडी जो है ना यहाँ रहने वाले भी जैसे हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर सरोज लोधी हैं जी, वो एनईडी से पढ़े हैं, एनईडी में स्टूडेंट आए थे, स्टूडेंट लीडर थे, फिर मास्टर्स किया, एडनबरा गए, पीएचडी किया, अब वहाँ के वाइस चांसलर हैं पिछले 6 साल। इसी तरह एनईडी के जो स्टूडेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब भी एनईडियन है, एनी ट्रू एनईडियन, पीटीआई के एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी भी हैं, कायदे इसमें इख्तलाफ फिरदौस शमी भी एनईडियन है, तो एनईडियन हर तरफ है। आलमगीर सतह पर अगर देखा जाए तो जैसे मर्सिडीज का आपने बताया, सिलिकॉन वैली में एनईडियंस ने बहुत नाम पैदा किया। एक साहब है रागिब साहब, उन्होंने अपनी कंपनी अभी 6 या 8 बिलियन डॉलर में फरोख्त किए आईटी की। अशरफ हबीबुल्ला साहब हैं, इन्होंने 1975 में एक अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, अर्थक्वेक सॉफ्टवेयर, दुनिया की जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें इनका सॉफ्टवेयर यूज होता है, बुर्ज खलीफा, बर्डनेस स्टेडियम, बीजिंग, दुनिया की कोई भी बड़ी है उसमें इनका सॉफ्टवेयर है। सफान शाह हैं, उन्होंने अभी पे एक्टिव बनाई है, वो भी बहुत बड़ी। तो एनईडियंस सब जगह हैं, और छोटी बड़ी इसमें जो मुनफरिद बात है वो ये है कि हैसियत कोई भी हो, माली हैसियत कोई भी हो, कामयाबी का लेवल कोई भी हो, उनका दिल एनईडी के लिए धड़कता है। सुभान अल्लाह। आखिर में कोई पैगाम? पैगाम ये कि जी हमने तो अपने एनईडी के लिए ये काम किया है, और मेरी ख्वाहिश है कि और लोग भी हैं जो, और दूसरे इदारे जो हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, डीजे कॉलेज है, डॉ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ के भी जो खुशहाल स्टूडेंट्स हैं वो आगे आएँ, और अपने पीछे आने वाली नस्ल जो है, जो कि हमारी मदद की तवज्जो की मुस्तहिक है, उसके लिए कुछ इस तरह का एंडोमेंट फंड वगैरह बनाएं, ताकि आगे की नस्लें जो है वो बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब रिजवी साहब, और यकीनन रिजवी साहब की खिदमत हमेशा इस कौम के नौजवान एनईडी के स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी और तालीम का पूरा शोभा हमेशा याद रखेगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। लेकिन सिर्फ एनईडी यूनिवर्सिटी को नहीं, स्कूल्स को भी, कॉलेजेस को भी ऐसे फंड्स क्रिएट करने चाहिए, उनके एलुमनाइज को साथ मिलना चाहिए, ताकि गरीब और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, स्कॉलरशिप वगैरह आपको प्रोग्राम्स निकालने चाहिए, ब्रेक लेनी है, आसानी से अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, तरह विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और तलहा हम अभी बजट की बात कर रहे थे, हम महंगाई की बात कर रहे थे, अब मैं यहाँ आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ कुछ ऐसे एक मेहमान से जो हमारा दर्द समझते हैं, उन लोगों का दर्द समझते हैं कि जब महंगाई होती है तो बेटी की शादी करना कितना मुश्किल हो जाता है। तमाम माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है जब से बेटी पैदा होती है कि वो खैर आफियत के साथ अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें, बेटी अल्लाह की रहमत होती है और साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। माँ बाप की पहली तरजीह होती है कि वो अपनी बेटी की शादी कर दें और उसके बाद फिर अपनी बाकी की जो जिम्मेदारियां हैं, हज हो गया, उम्रा हो गया, उस चीज़ों को अदा कर दें। लेकिन आज के दौर में, आज की महंगाई में बेटी के हाथ पीले करना एक ये बहुत ही बड़ा सवाल है। माँ बाप बहुत परेशान हो गए हैं, और जब एक बेटी पैदा होती है जिस घर में भी होती है, माँ बाप अपनी खुशी से उसके लिए चीज़ें बनाना शुरू कर देते, जोड़ना शुरू कर देते कि जब उसकी शादी का वक्त आए
तो वो उसके लिए एक बेहतरीन इंतज़ाम कर सकें, उसको अच्छे से प्यार से दुआओं के साथ उसकी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात होती हैं उनकी चीज़ों के साथ आसानी से रुख्सत किया जाए। लेकिन अफसोस जिस तरह की सूरत हाल चल रही है हमारे मुल्क की, ये एक बहुत बड़ा मसला तो था ही और अब उससे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ हो गई है कि इस महंगाई में अपनी बेटी को कैसे रुख्सत किया जाए। तो इस मसले का हल हमें लाके दिया है आज हम आपको मिलवाएंगे बाबर इकबाल, ऑपरेशंस मैनेजर हैं बेटी वाला के, और अब ये एक नाम ही ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम बाबर, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। पहले तो आप खुद इतने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यंग हैं और इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा आपने काम संभाला है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बेटी वाला बहुत ही यूनिक, बहुत ही एक टची नेम है कि सुन के लगता है कि यार ये हमारी बेटी के बारे में बात हो रही है, हमारा जिक्र हो रहा है। What is बेटी वाला, बताइए। जी बिल्कुल, बेटी वाला एक ऐसा नाम है कि जो कि बेटी वाला बेटी वालों की मुश्किलात समझता है। ठीक है, हालात आपके सामने, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे पाकिस्तान में 80% जो है वो ख़वातीन और जो बेटियाँ हैं वो घरों में बैठी हैं। इसकी वजह ये है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके भाई हो गए जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से स्टार्ट होती है, वो किस तरीके से अपनी बहनों की रुख्सती करेंगे, और ये एक बहुत मुश्किल अमल है। इसी तरीके से जो है वो अगर देखा जाए, एक सादगी से जो शादी की जाती है उसके अंदर भी कम से कम नहीं भी तो आपके 6-7 लाख रुपए लग जाते हैं आजकल के दौर में। exactly, जिसमें आप खाना कर लें, हॉल कर लें, और अगर जरूरत तो कुछ सामान लाइक सिर्फ फर्नीचर ही दे दें, बेसिक चीजें, बहुत कम रेंज में भी सादगी से भी की जाती है तो वो कम से कम 7-8 लाख रुपए चले जाते हैं। तो बेटी वाला ने जब ये सारी चीज़ें देखी, हमने ये रियलाइज किया कि इस टाइम हमारी आवाम को, हमारे लोगों को हमारी नीड है। इसी तरीके से हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 12 साल हो गए पाकिस्तान में ये काम करते हुए, और इसमें ये है कि हमने जो है वो अपनी फैक्ट्री, कंप्यूटराइज्ड मॉडर्न फैक्ट्री हमारी मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं, और हमारा किचन अपना मौजूद है। इस तरीके से हम बहुत ही मुनासिब रेट पर पैकेजेस तैयार करते हैं उन लोगों के लिए जो बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपके पैकेजेस के जो रेट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक? हमारे जो पहले पैकेज है वो है 1,99,000 रुपये का। ठीक है, 1,99,000 रुपये में हम 4-पीस फर्नीचर देते हैं कंप्लीट। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रॉकरी का कंप्लीट सामान होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पैकेज है 2,95,000 का। इसके अंदर जो है वो हम कंप्लीट 4-पीस फर्नीचर देते हैं, जहेज़ का कंप्लीट सामान, मीन के वॉशिंग मशीन से लेके एलईडी, क्रॉकरी और जितना भी बर्तन वगैरह होते हैं ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर शामिल होती हैं। इसमें हम आपको फ्रिज भी देते हैं और 300 अफराद का बारात का खाना देते हैं। एज़ यू नो कि अभी आप 300 अफराद का खाना ही कराने जाएँ तो कम से कम ये 1,20,000 रुपये का डेढ़ लाख। एग्जैक्टली, महंगाई जितनी हो गई है, तेल के जो रेट चल रहे हैं आप 1.5-2 लाख तो आराम से समझे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये हम 2,95,000 में जो है ये सारी चीज़ें हम इसको कवर कर रहे होते हैं। 2,95,000 में आप 300 बारातियों का खाना भी दे रहे हैं, आप फर्नीचर भी दे रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी दे रहे हैं, आप क्रॉकरी भी दे रहे हैं। क्रॉकरी भी दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और अगर कोई सपोज अगर कोई 1 लाख भी पे नहीं कर पाता, जैसे कि हमने बात की अभी के जिनकी तनख्वाह 20,000 है, 15,000 है, 25,000 है, वो नहीं एकदम से आपको यकमुश्त पे कर पाते, तो उनके लिए कोई सहूलत है? एग्जैक्टली मैम, अभी हमने क्या किया, हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है इंस्टॉलमेंट प्लान, इजी इंस्टॉलमेंट प्लान किया है। अब दो तरह के इंस्टॉलमेंट होते हैं, आप कहीं बाहर से कोई चीज़ परचेज करते हैं इंस्टॉलमेंट पे, तो हमेशा इसका ये एक माइंडसेट होता है कि वहाँ पर सूद पे दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। जो चीज़ आपको 10 रुपये की मार्केट से मिली है आप उसको किस्तों पर लेते हैं तो वो आपको 20-25 रुपये की ऊपर मिलती है। ठीक है, सूद पर। लेकिन बेटी वाला ने ये सिलसिला स्टार्ट किया कि बेटी वाला जो है वो हम पैकेज जिस रेट पर दे रहे हैं उसी रेट पर हम लोग इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा चार्जेस कोई भी नहीं है। कितनी इंस्टॉलमेंट हो जाती है? 3 लाख वाला जो आपका पैकेज है कितनी इंस्टॉलमेंट्स कर देते हैं? इंस्टॉलमेंट ये होती है कि 60% जो है हम ले लेते हैं और 40% जो है वो डाउन पेमेंट, 40% जो है वो हम क्लाइंट पे छोड़ देते हैं, जो कि सारा काम होने के बाद उसके बाद आप 1 साल में हमें किस्तों के जरिए अदा करें। मैक्सिमम 1 साल है, मैक्सिमम 1 साल है, हम किस्तों के जरिए हमें अदा करते 12 किस्तें। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। अच्छा, दूसरी बात ये, आप लोग ये जगह का अरेंजमेंट भी करते हैं, लाइक हॉल्स हो गए या फिर कोई वेन्यू हो गया, इस तरह के अरेंजमेंट भी आप ही खुद करते हैं तमाम A to Z, या फिर कुछ मखसूस चीज़ें करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा एक पैकेज है ऑल इन वन के नाम से, उसके अंदर जो है वो 5,50,000 रुपये का पैकेज है। उसके अंदर हम शीशम का फर्नीचर दे रहे हैं। अब शीशम का फर्नीचर आपको आइडिया है कि उसकी वर्थी जो है वो 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। मेरा पहला सवाल यहाँ पर ये बनता है कि यार इतने कम पैसों में आप शीशम का फर्नीचर कैसे दे सकते हो? जैसे कि मैंने आपको बताया,
नहीं नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी अपनी फैक्ट्री मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, हमारी फैक्ट्री मौजूद है वहाँ पर, हम ये जो है काम आपकी फर्नीचर की भी फैक्ट्री है, क्रॉकरी की भी फैक्ट्री है, सब चीज़ों की फैक्ट्री नहीं, हमारी सिर्फ फर्नीचर की फैक्ट्री है, हमारा किचन अपना है, बाकी जितना भी सामान है वो हम क्वान्टिटी में उठाते हैं, होल सेल रेट पर उठाते हैं, तो इस वजह से हमें वो मुनासिब। क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, आपकी चीज़ों की क्वालिटी कैसी है मुझे ये बताएं। क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी है, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम लोग ब्रांडेड रखते हैं, हर चीज़ की वारंटी देते हैं, 3 मंथ सर्विस भी होती है कि कोई चीज़ ख़राब हो जाती है हम फ्री ऑफ कॉस्ट जाके होम डिलीवरी भी करते हैं। अच्छा, तो आपकी चीज़ों पे कहीं टैग्स लगे हुए होते हैं, स्टिकर्स होते हैं बेटी वाला, कि जैसे लोगों को पता चल जाए कि बेटी वाला से लिया है या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये एक पर्दापोशी होती है, हम बहुत ही इसको तरीके से लेके चलते हैं, कोई पिक्चर्स, कोई इसमें टैग, कोई लोगो, कोई भी इसमें इस पे चीज़ में नहीं होता, किसी की भी इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह ना हो। मुझे ये बताएं कि कितनी शादियाँ करा चुके हैं आज तक? अल्हम्दुलिल्लाह कभी गिनी नहीं है, काफ़ी सारी करा दी होंगी, और काफ़ी सारे हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं हमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जो कि लेके जाते हैं, लोगों का एक माइंड सेट होता है कि पैकेज है उसके अंदर क्या पता किस तरह की क्वालिटी हो, लेकिन जब वो लेके जाते हैं उसको यूज़ करते हैं, वही चीज़ें हम अपने घर में भी यूज़ कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा ऑल इन वन का पैकेज है, इसके अंदर फर्नीचर होता है 4 पीस, कम्प्लीट जहेज का सामान दिया जाता है, इसके अलावा जो है 300 अफराद का खाना। अच्छा, इसमें जो एडिशन हो गए जैसे कि आपने बात करी थी, इसमें हम ब्राइडल मेकअप, शादी कार्ड, फोटोशूट, वीडियो शूट, फोटो एल्बम, फोटोशूट भी, कार सर्विस, और इसके अलावा शादी हॉल, ये सारी चीज़ें, मतलब कि उन्होंने बुक करवाना है और बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। दुल्हन और दूल्हा भी आप प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि आप शादी तो पूरी करवा रहे हैं, अगर किसी को दुल्हन चाहिए हो, किसी को दूल्हा चाहिए हो, वो भी आप ही ले आए, जान छूटे पैसे लो भाई, मेरा काम आप करके। बस मैरिज ब्यूरो के लिए एक लेडी हैं, वो उनसे आप रابطہ कर सकते हैं अगर आपको कर दिए तो। आपकी शादी क्यों नहीं हुई फिर आज तक? मैं अभी तो मैं जाहिर है यहाँ पर काफी बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, स्टडी कर रहा हूँ साथ साथ मैं जो है वो ये काम कर रहा हूँ। दुनिया भर में सबकी शादियाँ करा रहे हैं, खुद शादी कर नहीं रहे हैं, और इतने सस्ते में शादी भाई कहाँ होती है वरदा? मैं कहने वाली थी तला कि एक तो इतने सस्ते में शादी करवा रहे हैं, एक साथ ये इतना नेक काम कर रहे हैं, इतना नेक काम कर रहे हैं, कितने लोगों की आप दुआएं ले रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आप इसमें डोनेशंस वगैरह भी लेते हैं, या कोई अगर आपको ज़कात या कोई डोनेशन इस तरह की चीज़ें देना ग्रुप है आपका जो आपको फंड करता है, सर्टेन लोग हैं, आप ओपनली सबसे फंड लेते हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी जो ये है ये कोई एनजीओ नहीं है, कोई भी इस टाइप का नहीं है कि हम किसी से बाहर से डोनेशन आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एनजीओ नहीं है तो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुई, आपका कोई प्रॉफिट नहीं है? कोई प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर, टोटल जो हर पैकेज के अंदर 5,500 सर्विस चार्जेस होते हैं वो टोटल हमारा। तो क्यों आप ये काम क्यों करते हैं? आपके पास तो पैसे आप कमा नहीं रहे हैं, यानी पैसा है पीछे से बहुत ज्यादा, क्या वजह हुई कि आप लोगों ने काम? जैसे कि आपने खुद बोला कि पैसा बहुत सारा है, देखो हम उसको अच्छे राह में इस्तेमाल करें, क्योंकि देखें होता ही है कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो प्रॉफिट करते हैं। मैंने आपको बताया कि खाना 1,20,000-1,50,000 का, आपका अपना किचन है, आप वहाँ से 50,000 रुपये में ईजी वही खाना 300 अफराद का रेडी कर सकते हैं। तो ये कि बस कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि लोगों के लिए होते हैं, लोगों की फला प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा रहे, जितना आपके बजट है उसी में रहते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट आप काम कर रहे हैं। जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं आपसे राबता कैसे करें? बिल्कुल, हमारे नंबर्स चल रहे होंगे, हमारी जो है कराची में 3 ब्रांचेस हैं, पहली जो है वो गरीबाबाद मेन फर्नीचर मार्केट के अंदर है, दूसरी गुलिस्तान जौहर के अंदर है, और तीसरी जो है वो हमारी कोरंगी के अंदर है। और आपको इस बात से भी कोई अर्ज नहीं है कि कोई दूसरी तीसरी चौथी शादी करना चाहे? हमें कोई इशू नहीं है, हमें कोई इशू है। और पाकिस्तान में कराची के अलावा भी आपकी ब्रांचेज हैं? हमारी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर एक ब्रांच है फैक्ट्री के बिल्कुल पास ही, और इसके अलावा रावलपिंडी के अंदर है। हमारा नेक्स्ट जो प्लान है वो हमारा लाहौर की साइड है, क्योंकि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है हमें। सही, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। बेटी वाले, बेटी वाला, और बहुत ही टची और बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, नेकी का काम है, ताला आपके काम में और तरक्की दे, बरकत दे, और तमाम बेटियों के वालिदैन को इन फराइज से बहुत आसानी के साथ उसे बखूबी सर अंजाम दे सकें। तला वक्त खत्म हो गया है शो का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।